नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उर्वशी शहडोल की दो बड़ी खबरों के साथ। शहडोल जिले में 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलने वाले विकास यात्रा की तैयारी को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने आज शहडोल पहुंचकर कलेक्ट्रेट के विराट सभागार में विकास की यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर जिले के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विधानसभा वार चार्ट तैयार की जाए। बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। जिले के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के संविदा कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते जिले में कई जगह बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। कुछ दिनों पूर्व संविदा कर्मचारियों ने इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में पहुंचकर अपनी मांगों को रखा था। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे मुख्यमंत्री से चर्चा कर उनका निराकरण किया जाएगा, लेकिन 15 दिन हो जाने के बाद आज तक कोई समाधान न होने के कारण आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज आपने हड़ताल किया है, क्या कारण है हड़ताल के? अपनी हड़ताल की दिनचर्या 1 नवंबर से चालू हुई थी। 93 दिन का कार्यक्रम रहा चरणबद्ध। प्रथम चरण में कई चरण बनाए थे अपन, जिसमें कंटिन्यू अपन ने करते आया। और 6 जनवरी को जेल भरो आंदोलन का हड़ताल था, जो किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। माननीय हमारे संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया गया ऊर्जा सचिव द्वारा। ऊर्जा सचिव के द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रवास में जो इंदौर में प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रवासी भारतीय का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारी मुख्यमंत्री की छवि धूमिल होगी, मध्य प्रदेश शासन में प्रभाव असर पड़ेगा, इसलिए आप ये हड़ताल स्थगित कर दीजिए। आने वाले समय में 15 दिन का समय लिया गया कि हम सभी पदाधिकारियों को बुला के मुख्यमंत्री से बात करके आपकी मांगों को करवाएँगे, जो कि आज दिनांक तक हमको लिखित में नहीं मिला। इसलिए मांगे आप लोगों की मुख्य मांगे है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि विद्युत संविदा कर्मचारी अधिकारियों को नियमितीकरण किया जाए, और विभाग में आउटसोर्स के जितने कर्मचारी हैं, हेल्पर, लाइनमैन, मीटर रीडर, इन सबको विभाग में पॉलिसी बना के सम्मिलियन किया जाए, और जो भी दुर्घटनाएं होती है उनमें एक बीमा लागू किया जाए, ताकि 20 लाख का बीमा आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिले। आप लोग कर रहे परेशानी जनता को होगी, इसमें जनता को परेशानी होगी, तो लाइन बंद अगर होती हैं तो सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना स्टाफ अपने विभाग में है नहीं। जितने भी विभाग में स्टाफ हैं वो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी अधिकारी हैं। रेगुलर स्टाफ गिनती के बचे हैं, जो कि 20% हैं, जिसमें कुछ एक्सीडेंटल हैं, कुछ पोल में चढ़ने वाले नहीं हैं। अधिकतर पोल में चढ़ने वाले आउटसोर्स के ही लड़के हैं, जो कि तत्पर रूप से लाइन का सुचारू रूप से ध्यान रख रहे हैं। अभी जब मांगे नहीं मानी जा रही आपकी, तो क्या इसके आगे आपका? अभी अगर हमें लिखित में कोई प्रतिवेदन नहीं मिलता है, तो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश मिश्रा।